प्यारे बुज़ुर्गों माताओं भाई और बहनों प्रार्थना कैसे अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाए और कैसे जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हमारा पूरा हो प्रार्थना सच्चाई को जानने की उस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में ढालने की और उस सच्चाई के साथ जुड़ने की जिस सच्चाई के ऊपर ये सारी सृष्टि की बुनियाद है कि जो सच है वो हर पल हर समय सच रहता है और सच्चाई की जिंदगी जीना उस सच्चाई के साथ जुड़ना ही हमें सब धर्मों में समझाया जाता है तो वो सच्चाई है क्या और उस सच्चाई के साथ हम जुड़ें कैसे ज़िंदगी के मकसद को पाएं कैसे ये महापुरुष अपने वचनों के जरिए हमें समझाते चले आए हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं अपने सदगुरु से कि हे सदगुरु आपके चरणों में मेरी ये विनती है प्रार्थना उनसे की जाती है जो हमें कुछ दे पाते हैं प्रार्थना जब भी की जाती है तो नम्रता से की जाती है और हम देखें कि किस भाव से यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं फरमा रहे कि सदगुरु पास बेनंदिया कि हे सदगुरु आपके चरणों में ये प्रार्थना है सदगुरु के पास क्यों कि उनके जरिए ही हम जिंदगी का जो ध्येय है उसे जान सकते हैं जो सच्चाई है उसे पहचान सकते हैं और सच्ची सुच्ची जिंदगी बनाते हुए अपनी मकसद तक पहुंच सकते हैं उसे पूरा कर सकते हैं तो बेनती अपने सदगुरु के चरण कमलों में हो रही है और बेनती क्या है कि मिले नाम आधारा कि हे प्रभु मुझे नाम की शरण में आप ले जाओ उसकी मुझे सपोर्ट दीजिएगा उसकी जानकारी दीजिएगा उसके साथ मिलाइएगा कि उसका आधार चाहिए तभी अपनी मंजिल की ओर हम पहुंच सकते हैं इस स्टेज तक पहुंचना जहां पर यह समझ हो कि नाम के जरिए सब कुछ बना है सृष्टि भी रची गई तो नाम के जरिए खंड मंडल भी बने तो नाम के जरिए बार 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 गुरबाणी में और, और धर्म ग्रंथों में आया और उसी नाम के जरिए सब कुछ चल रहा है और वही नाम हम सबके भीतर है उसके साथ जुड़ना है और इसीलिए प्रार्थना की जा रही है कि नाम का आधार हमें मिले तो ये नाम है क्या इसे जाने कैसे बार 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 हमें ही समझाया जाता है कि पूर्ण महापुरुष के जरिए ही हम नाम के ज्ञान को पा सकते हैं के बाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ना तो इसे हम पढ़ लिख कर पा सकते हैं ना ही कहीं पैसे दे के इसे खरीदा जा सकता है तो ये क्या है ये पकड़ने की बात है कैसे जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो का हिस्सा कुछ हमें देते हैं तो इस नाम के साथ हम जुड़ जाते हैं प्रवाह है जिसे हमने पकड़ना है और इसीलिए सन्मत के रास्ते में बार 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 हमें यही सिखाया जाता है कि किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुंचे और जो नाम का आधार है वो उनके जरिए हम प्राप्त करें नाम दान नाम से जुड़ने का दान नाम के साथ मिलना नाम को अपनी जिंदगी में अनुभव करना और फिर नाम के जुड़ने के साथ सूरत को अंदर के मंडलों में उड़ान देना और अपने सदगुरु की मदद से उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना इसीलिए नाम के ऊपर जोर दिया जाता है उसको समझना उसकी जानकारी पाना किसी भी भाषा के लफ्ज़ों से परे है यदि हम सोचें कि पढ़ लिख कर नाम की जानकारी पाएंगे तो नामुमकिन है क्योंकि भाषा में वो लफ्ज़ ही नहीं जो समझा सके कि नाम है क्या मगर जब इसका अनुभव होता है तो फिर जानकारी खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है तो सन्मत का रास्ता अभ्यास का रास्ता है ये रास्ता पिता परमेश्वर को अनुभव करने का रास्ता है ये रास्ता वो रास्ता है जिसके जरिए अनुभवों के जरिए जो असलियत है वो हमारे अंदर खुलती चली जाती है नाम क्या है इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई होंगी लेकिन जब तक इसका अनुभव ना हो ये सिर्फ दिमागी रूप तक ही रह जाएगा आज का समय जिसमें जिस के खाने पीने के ऊपर बहुत जोर है तो आप में से बहुत से लोग दूध पीते होंगे सोचते हैं दूध से बड़ी ताकत मिलती है दूध के अंदर आप पूरी को तल नहीं सकते आप पूड़ियां छोले सब खाते होंगे अब पूरी को तला जाता है तो अगर दूध को गर्म करके उसमें पूरी को डाला जाए तो वो कभी बनेंगे नहीं लेकिन दूध से दही बने दही को मथा जाए उससे मक्खन बने मक्खन से घी बने और घी को गर्म करोगे तो उसमें पूरी तल जाएगी तो घी आया कहा से दूध को देखो उसमें तो घी की शक्ल दिखाई नहीं देती तो इसमें घी है महाप समझाते हैं कि सृष्टि के कण कण में नाम समाया हुआ है हमें दिखता नहीं क्योंकि हम में वो नजर नहीं है जिससे वो नाम दिख पाए हम लोग सिर्फ भारी आंखों से ही सब कुछ देखते हैं तो जैसे घी को अगर दूध से निकालना पड़े तो किसी प्रोसेस में से जाना पड़ता है दही बना मखन बना घी बना ऐसे ही अगर उस नाम की जानकारी करनी है तो किसी प्रोसेस से जाना पड़ता है सदगुणों को जिंदगी में ढालें शरीर को शांत करें मन को शांत करें नाम की देन मिली हो ये शिव नेत्र खुला हो हमारे गुरु की हम पर दया में हो फिर उस नाम की जानकारी हम पा सकते प्रोसेस है अगर सोचे कि नाम तो कण में है हम उसे पालेंगे वो नामुमकिन है घी भी दूध में है लेकिन जब तक स्टेप्स अलग अलग नहीं लेंगे वहां तक पहुंचेंगे नहीं इसी तरीके से नाम की जानकारी पाने के लिए भी कई स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है और उसी नाम के आधार को पाने के लिए यहां प्रार्थना की जाती ये जो नाम है इस सृष्टि से शुरू हुआ है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कि पिता परमेश्वर से ये नूर उत्पन्न हुआ है सब कुछ इस नूर के जरिए रचा गया है वो कण कण में समाया हुआ है लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ बाहर इंद्रियों के जरिए जा रहा है वो ध्यान सिर्फ बाहर के मंडल में है इस फिजिकल रीजन में है पिंड के देश में है और क्योंकि हम सब मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते हैं इससे आगे हम जाते नहीं तो उस नाम का अनुभव हम कर नहीं पाते वो है उसका सहारा है लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सतगुरु पास बेनती आके ये प्रार्थना ये बेनती के चरण कमलों में है कि मिले नाम आधार के नाम का आधार हमें मिले हमारी जिंदगी ऐसी हो जिसमें हम नाम का सपोर्ट से जी रहे हों तो नाम कहें शब्द कहें होली वर्ड कहें कलमा कहें ज्योति या कहें अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में दिए गए हैं क्योंकि उसके बगैर अगर ये जिंदगी हम जी गए तो वो जीना बेकार है जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं जो कि अपने आप को जानना है और आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है वो कभी पूरा नहीं होगा नाम के जरिए सारे खंड मंडल रचे हैं उसके साथ जुड़कर ही हम वापस अपने निर्धाम सचकट तक पहुंच सकते हैं और ये नाम जो सृष्टि के शुरुआत से शुरू हुआ है चाहे लाखों करोड़ों साल हो गए हो हमारी आत्मा को नाम से दूर हुए लेकिन उसमें कुछ खराबी नहीं होती सृष्टि बनती है बिगड़ती है मंडल बनते हैं टूटते हैं पिंड अन ब्रम्मण जब प्रलय आता है सब खत्म हो जाते हैं जब महाप्रलय आता है तो पार भ्रम भी खत्म हो जाता है लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होता आज सच जो गाज सच है भी सच नानक हो सी भी सच कि जो सच्चाई है वो शिष्टि के शुरुआत में थी आज भी है सदा सदा के लिए रहेगी उसमें कुछ त्रुटि नहीं आती कुछ खराबी नहीं आती अगर मटका हो तो अगर मटका टूट जाए तो जो हवा है उसमें कुछ चेन नहीं आता वो मटके के अंदर भी है उसके बाहर भी है मटके की क्या शेप है उसका उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे ही नाम जो कण कण में समाया है वो सदा सदा के लिए हमारे अंग रहता है और उसकी जानकारी पाने के लिए उसका अनुभव करने के लिए यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि सदगुरु पास विनंतिया मिले नाम आधारा कि नाम को पाने की उसका अनुभव करने की दान यहाँ मांगी जा रही है कि हे प्रभु मुझे आप तरीका बताइए हे मेरे सदगुरु कि कैसे नाम का मैं अनुभव कर चुकू पल पर क्षण मेरी जिंदगी में है उसका सहारा पा सकू क्योंकि तो ये यकीन हो गया कि उसके बगैर कोई चारा नहीं वही हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा इस स्टेज तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है हम लोग दुनिया में जीते हैं सोते हैं दुनिया की सपोर्ट चाहिए नौकरी चाहिए तो किसी की सपोर्ट चाहिए कोई और चीज करनी है तो किसी की मदद चाहिए तो कभी यहाँ पे सिर झुका देते हैं कभी वहाँ झुकाते हैं कभी झुका देते हैं तो इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए सच्चे इंसान की जिंदगी कैसी हो महा समझाते हैं कि पिता परमेश्वर में भरोसा हो उनके शब्द के साथ हम जुड़ें, अभ्यास करें अनुभव करें ताकि प्रभु की ज्योति को अपने अंदर पाए अंग संग पाए जब पाएंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक तेजी से जरूर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये बेनती अपने सदगुरु से कर रहे हैं और आगे इस शब्द के जरिए रूहानियत के और बहुत से रहस्य वो खोल कर समझा रहे हैं गए था सच्चा पाशा ताप के संसार अगर हमारे सदगुरु हमसे प्रसन्न हो गए संतुष्ट हो गए उनको लगा कि हम अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहे हैं जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा कहना मानो तो उनका कहना क्या था कि हम भजन करें अभ्यास करें जिंदगी में सदगुनों को ढालें डैरी रखें ताकि अपनी जिंदगी ऐसी बनाएं जैसे कि सच्चे शिष्य की हो एक पूर्ण महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं उनकी जिंदगी का मकसद यही है कि हम सब अपने मकसद को पालें वो चाहते हैं कि हम चौरासी लाख जिया जी उनसे छुटकारा पाए वो चाहते हैं कि हम अपने भीतर शब के साथ जुड़ें वो चाहते हैं कि शब के साथ जुड़ते हम शरीर से ऊपर उड़ पाए वो चाहते हैं कि हमारी रूह अंदर के मंडलों में उड़ान करते हुए पिता परमेश्वर में जाकर लीन हो जाए तो जब इस किस्म की हमारी जिंदगी बनती है इस किस्म की जिंदगी हम जीते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि टूटा सच्चा पाशा के जो हमारे सदगुरु हैं जब वो खुश होंगे वो खुश तब होंगे जब हम अपनी जिंदगी जैसी जीनी है वैसी जिए तो होगा क्या कि ताप के संसार कि जो भी दुख सुख इस संसार का है वो दूर हो जाएगा ज्यादातर तो हम दुख सुख से ही घिरे रहते हैं सोचते हैं शरीर में तकलीफ हो गई सोचते हैं आज हमारे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गई सोचते हैं बिजनेस में कोई तकलीफ आ गई और उसी में सारा समय बर्बाद कर देते हैं ये भूल जाते हैं ये सब रिलेशनशिप टेम्परेरी है थोड़े क्षणों के लिए हैं हमें असलियत की ओर जाना है